नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल मैकेनिक ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आपको मिलेगा। शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद आज की वीडियो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सेंटर क्राउन टाटा 2518 का हम क्यों खोले थे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमने क्राउन सेंटर क्राउन पिनियन को खोला हुआ है और हम सबसे पहले उसकी सिम्स को डालते हैं और स्टार गियर को, फिर स्पाइडर किटिंग को, स्पाइडर किट को फिट करेंगे। देख सकते हैं आप लोग सभी जो स्पाइडर किट की जो वाशर हैं उनको एक एक करके फिटिंग कर दिया स्पाइडर किट में, जो कि अपने थाली हंडी भी बोल सकते हैं। अब हम इसको फिटिंग करेंगे क्राउन में। देख सकते हैं आप लोग, हमने स्पाइडर किट को फिट कर दिया हुआ है। उसके बाद में गियर को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, हमने स्पाइडर किट को फिट कर दिया है क्राउन के, उसको हम हंडी भी बोल सकते हैं, थाली भी बोल सकते हैं। और क्राउन देख सकते हैं, हम सन गियर को लगा रहे हैं स्पाइडर किट के ऊपर और उसके साथ में थ्रस्ट वाशर भी है। दोस्तों, अब हम सन गियर को फिटिंग करेंगे, स्पाइडर किट के जो स्टार गियर है उसको फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं, हमने स्पाइडर किट को रोटेट कर देख लिया है। अब उसकी हाउजिंग को फिट करेंगे स्पाइडर किट की, जिसमें कि बैरिंग लगी हुई है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। देख सकते हैं, अब हम सभी हाउजिंग की बोल्टों को टाइट कर देते हैं क्राउन के एक एक करके। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हमने सभी बोल्टों को एक एक करके लगा दिया है और उसको टाइट करेंगे। और फुल टाइट करने के लिए दोस्तों, उसको हम एक्सल में फंसा के टाइट करेंगे, जिससे अपना पूरी तरह से टाइट हो जाए। देख सकते हैं, हमने टाइट किया है स्पाइडर किट को, घुमा के पेचकस से दिखा रहे हैं आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों, अपना स्पाइडर किट सही से फिटिंग हुआ कि नहीं। अभी इसको टाइट करने के लिए स्पाइडर किट की हाउजिंग को एक्सल में फंसा के हमने फुल टाइट करेंगे उसको। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टाटा 2518 का जी 1150 गियर बॉक्स कैसे डिसमेंटल करते हैं, और अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि टाटा 2518 का क्राउन पिनियन क्राउन कैसे फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपनी पिनियन रखी हुई है और हम इसमें पिनियन की स्पाइडर किट फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हमने पिनियन की स्पाइडर किट को फिट कर दिया है। उसको रोटेट करके हल्का सा देख लेते हैं। अब हम उसके सन गियर को फिटिंग करेंगे, जो कि हम इसको हेलिकल गियर भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं, दोनों पिनियन का गियर और जो पिनियन का स्पाइडर गियर है, दोनों एक साथ रोटेट हो रहे हैं, इसमें कोई प्ले नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, उसको हम बोल्ट फिटिंग करेंगे तो सही से अपना गियर फिट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों, हमने दोनों गियर को चेक कर लिया है, बराबर फिटिंग हुई है। पिनियन गियर है और जो स्पाइडर किट का गियर है। अब हम आप लोग को दिखाएंगे कि जो 4x4 का शाफ्ट है और वो कैसे काम करता है, और उसकी जो फ्रांक लगी हुई है और नाल,
वो हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये है 4x4 जो हम लगाते हैं, जो कि सेंटर क्राउन में होता है और लास्ट क्राउन में नहीं होता। ये देख सकते हैं, ये अपना 4x4 का शाफ्ट है दोस्तों। अब हम इसको क्राउन में फिटिंग करेंगे। हम इसके सिम को डालते हैं जो शाफ्ट की 4x4 शाफ्ट की स्प्रिंग है, उसको फिटिंग करते हैं। उसके बाद में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे गियर में थ्रू जो शाफ्ट है फिटिंग होगा। जो अभी हमने पिनियन की गियर स्पाइडर किट को, उसमें शाफ्ट को 4x4 का जो शाफ्ट है उसको फिटिंग करेंगे। आप लोग को दिखाएंगे कैसे फिटिंग होगा, फिर उसको फुल टाइट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम 4x4 शाफ्ट को फिटिंग कर रहे हैं। इसके बाद में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्राउन पिनियन कैसे फिटिंग होगा और कितना प्ले रहेगा, कितने में एडजस्ट होगा। देख सकते हैं, हमने 4x4 शाफ्ट को फिटिंग कर दिया है। अभी उसके सभी बोल्टों को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि अपना 4x4 शाफ्ट फिट हो गया। फिर हम शाफ्ट का है उसमें प्लेट लगाएंगे और फ्लंच लगा के चेक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम सभी बोल्टों को एक एक करके फिटिंग करेंगे, हाउसिंग बैठा के 4x शाफ्ट की जो पिनियन का क्राउन है। देख सकते हैं, हमने हाउसिंग में अपना 4x4 शाफ्ट फिट कर दिया है पिनियन के साथ। देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों जो ये लगा है ये प्रेशर का है और इससे हम ऑयल ड्रेन करते हैं ऑयल चेक करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सभी बोल्टों को हम एक एक करके फिटिंग कर देंगे। उसके बाद में 4x शाफ्ट की प्लेट को लगाएंगे और फिर फ्लंज को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, अब हम प्लेट को लगाते हैं 4x4 शाफ्ट की। फिर देख सकते हैं उसमें प्लेट सील भी लगी हुई है। फिर उसके चकनट को लगाएंगे। चलिए हम प्लेट को फिटिंग करते हैं। एना बोल्ट अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे जिससे कि कोई लीकेज ना हो। और दोस्तों जो हमने एना बोल्ट लगा रहा है वो ग्रे का है, RTV ग्रे का जो स्टैंडर्ड है। चलिए, हमने एना बोल्ट को अच्छी तरह से लगा दिया है चारों तरफ और हम उसकी प्लेट को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि हमने एना बोल्ट को चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा लिया हुआ है। अब हम इसको प्लेट को फिटिंग करेंगे जिससे कि अपना लीकेज ना हो। देख सकते हैं आप लोग, हम प्लेट को लगा रहे हैं जो कि पिनियन की प्लेट है, कैप भी बोल सकते हैं आप लोग दोस्तों। इसको फिटिंग करने के बाद फिर हम चेकनट को लगाएंगे और फ्लंच लगाएंगे जो कि इसमें शाफ्ट लगता है दोस्तों। ये अपना जो हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ये प्रेशर का है जिससे अपना प्रेशर होता है, जिससे 4x4 लगता है प्रेशर से, जो कि अपना मीटर में बता देता है कि अपना 4x4 लगा लिए हैं हम। देख सकते हैं अपना फिट हो चुका है। अब हम क्राउन को फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्ले होगा और किस तरह एडजस्ट होगा। हम
पिनियन को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। देख सकते हैं दोनों कैप दी हुई है, जिसमें एक कैप से प्ले होगा, एक तरफ से एडजस्टिंग करेंगे हम। देख सकते हैं अपनी पिनियन है, उसमें पैलेट बेयरिंग लगी हुई है दोस्तों, उसमें दोनों नीडल बेयरिंग लगी हुई है। अब हम क्राउन को फिटिंग करते हैं हाउसिंग में, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरफ प्ले होगा और किस तरफ एडजस्ट करेंगे और कितने पे अपना प्ले होगा, फिटिंग होगा। देख सकते हैं दोस्तों हाउसिंग को। अब हम क्राउन को फिटिंग कर रहे हैं पिनियन में। देख सकते हैं दोस्तों अपनी जो क्राउन है, उसमें दोनों तरफ बेयरिंग लगी हुई हैं दोस्तों। जो अपना क्राउन है वो पिनियन की तरफ लगाएंगे, जिससे अपना गियर में रोटेट हो। देख सकते हैं हमने क्राउन को फिटिंग कर दिया है पिनियन की तरफ। अब हम इनकी कैप को लगाएंगे और बोल्ट को टाइट करेंगे। पहले हम सबसे पहले बेयरिंग की कोन को फंसा देते हैं, हल्का सा क्राउन को उठा के। अपना कोन फिटिंग हो जाएगा, उसकी कैप को लगाएंगे। देख सकते हैं हमने एक कैप कोन को फिटिंग कर दिया है, और हम दूसरी कोन को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं हमने कोन को फिटिंग करने के बाद कैप को लगा रहे हैं। यही दोस्तों जो अपनी दोनों बेयरिंग की कोन और कैप हैं, इन्हीं को इन्हीं से अपना क्राउन का जो प्ले है उसी से हम चेक करेंगे। अगर हम पिनियन तरफ की कैप को लूज करेंगे तो क्राउन की तरफ की उसको टाइट करेंगे, और उधर की टाइट करेंगे तो इधर की लूज करेंगे, इससे अपना जो प्ले रहेगा वो सेटिंग होगा और इसी से अपना क्राउन सही से फिटिंग होता है। देख सकते हैं हमने एक तरफ की कैप को लगा दिया है, और हम दूसरी तरफ की कैप लगा देते हैं। जो अपना चेक नट है उसको हम लगा देते हैं इस तरफ का। चेक नट को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दोनों तरफ का। अगर हम चेक नट की पिनियन साइड के चेक नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपना डाउन होगा इधर, और अगर क्राउन की तरफ चेक नट को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सेटिंग होगा। और हम आपको दिखाएंगे दोनों को घुमा के कि बराबर से फिटिंग हुआ है या नहीं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए अब हम दूसरी तरफ की कैप को फिटिंग करते हैं और उसके चेक नट को फिटिंग करेंगे। अब फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे अपना क्राउन है जो फिटिंग होगा, और कैसे हम चेक नट को लूज करते हैं दोनों तरफ के, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को दोस्तों। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो GB40 गियर का काउंटर शाफ्ट कैसे डिसमेंटल करते हैं और क्या दिक्कत थी जो हमने काउंटर शाफ्ट को खोला है, उसके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे खोलेंगे और कैसे फिटिंग होगा। चलिए अब हम क्राउन को प्ले आप लोग को दिखाते हैं। हम जो पिनियन की तरफ का चेक नट है उसको हल्का लूज करेंगे, और क्राउन की तरफ का जो चेक नट है उसको टाइट करेंगे, जिससे अपना प्ले सही तरह से सेट होगा दोस्तों। और इसी में अपना
सेट होता है सही से क्राउन, और हम फिर इसको फिटिंग कर देंगे। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत